नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों ठीक रात के 9 बज चुके हैं और अपने लाइव सेशन का समय जो है दोस्तों वो शुरू हो चुका है। एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों हर रोज रात को 9 बजे अपना लाइव सेशन होता है और ठीक 9 बज चुके हैं। चलिए दोस्तों एक बार बता दीजिए, आवाज सही आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार जल्दी से बताएं, फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। ठीक 9 बज चुके हैं, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लुप्त संख्या ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, बीएसटी से में यदि अलग से ये नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपके एक या दो क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात करने के पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले वर्षों के पेपर में भी पूछे गए हैं। बीएसटी से और बीएड के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी इत्यादि में भी ये आता है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या दोस्तों, आपको एक फिगर दिया जाएगा, उनमें कुछ रिलेशन होगा और एक फिगर आपको ऐसा दिया जाएगा जिसमें लुप्त संख्या रहेगी। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन बता रहा हूं। मान लीजिए इस प्रकार का एक चित्र बनाया हुआ है और यहां पर लिखा हुआ 1, यहां पर 5 और यहां पर 6। फिर अगला फिगर बनाया हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है 4, इसमें लिखा हुआ है 9, इसमें लिखा हुआ है 7। फिर एक और फिगर बनाया हुआ है जिसमें यहां पर दर्शाया हुआ है 9, यहां पर दर्शाया हुआ है 5 और यहां पर है क्वेश्चन मारक चिन्ह। तो दोस्तों आपसे क्या पूछेगा कि इस क्वेश्चन मारक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, इस प्रकार का सवाल आपका देखा हुआ है क्या, जल्दी से बताओ। ऐसा सवाल आपका देखा हुआ है क्या, जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर 5, 6, 1, 7, 9 और 4 इनमें कुछ रिलेशन है, उन रिलेशन के आधार पर हमें इसमें रिलेशन बनाना है, बिठाना है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताना होता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से एक सवाल आप समझना, फिर हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। 5 और 6 का अंतर कितना है दोस्तों, 5 और 6 का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, और यदि इस 1 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1 ही होगा, ये मैं सोच रहा हूं अभी, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या है, 7 और 9 का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है, और इस यदि 2 का स्क्वायर करें तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों का अंतर करो और स्क्वायर करो, आपको नीचे का नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 9 का अंतर कितना हुआ दोस्तों, 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 16 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह दोस्तों क्या नंबर आएगा, 16 आएगा, ठीक है। इस प्रकार के फिगर आपको दिए जाएंगे, अलग अलग आकृतियों की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। एक बार बता दीजिए कमेंट करके, क्या यह समझ में आ चुका है क्या, इन दोनों का अंतर करके वर्ग करो यहां का नंबर मिलेगा, दोनों का अंतर करके वर्ग करो यहां का नंबर मिलेगा, और यहां पर हमने अंतर करके वर्ग किया तो अपने को 16 मिल चुका है। ये बात समझ में आ गई क्या, एक बार कमेंट करके बता दो, फिर बहुत ही सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब देखना दोस्तों, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता जाऊंगा और आप उसका आंसर करते जाएंगे, फिर मैं आपको उसका डिटेल से आंसर भी बताता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर लिखा हुआ है 9 और यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों 25, ठीक है। फिर लिखा हुआ दोस्तों 4, फिर लिखा हुआ है 16 और यहां पर लिखा हुआ दोस्तों 36। अगले फिगर में आपको मिलेगा 9 और यहां पर लिखा हुआ दोस्तों 25 और यहां पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह दोस्तों क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। जितने लोग भी लाइव हैं एक बार शेयर कर दीजिए, लाइव की जो संख्या दोस्तों लगातार इंक्रीज होनी चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे अच्छे लाइव सेशन आपके लिए लेके आते रहें दोस्तों। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है दोस्तों, आप निश्चिंत रहें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा 49 दोस्तों। कितना आएगा, 49। काफी लोगों ने बताया भी है दोस्तों, कैसे आ रहा है देखना। ये 1 है क्या, 1 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 फिर 2 गायब है, 3 फिर 4 गायब है, 5, यानी एक एक संख्या छोड़ के स्क्वायर है। यहां पर भी देखो
दो का स्क्वायर, चार का स्क्वायर और छह का स्क्वायर, एक एक संख्या गायब है। यहां देखो तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, तीन पांच छह गायब, सात आएगा तो सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, गुण पचास हो जाएगा, 49 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या आएगा 49 इसका करेक्ट आंसर है, गुण पचास इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैं अगले क्वेश्चन का फिगर बनाने का प्रयास करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन होगा दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी जो है पूर्ण रूप से करवाई जा रही है दोस्तों, जीके की क्लासें लग रही है, हिंदी का कोर्स लगभग खत्म होने को आया है, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे लगातार मिल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन जरूर कर लें। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिनके ज्वाइन करने में शिकायत आ रही है, उन्होंने शायद टेलीग्राम का जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं कर रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखें, नंबर लिख देता हूं मैं, फिर हटूंगा यहां से, 7, 4, 6, 3 यहां पर है 54, ठीक है, यहां पर है दोस्तों 11, 2, 9 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह और 40। ये सवाल है दोस्तों आपके सामने, ये 54 लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना, 54 है, कितना है दोस्तों 54 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करो, देखें क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोगों को, ताकि सभी लोग जो है अपने साथ जुड़ जाए दोस्तों। चलिए ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करें, ये लीजिए, एक बार सभी लोग शेयर कर दो ताकि सभी लोग जुड़ जाए दोस्तों, आपके साथी भी जुड़े हमारे साथ में। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर क्या आएगा इसकी जगह, इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, दो आएगा, कितना आएगा दो, कैसे आ रहा है देखना, 5 × 4 इन दोनों का गुणा कर रहा हूं मैं, 5 × 4 उसमें जोड़ रहा हूं इन दोनों का गुणा, 3 × 1 देखो 5 × 4 = 20, 3 × 1 = 3 कितना है दोस्तों 23 आया, कितना आया 23। इसमें ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, या तो इनको जोड़ के देखो, इनका वर्ग करके देखो, इनको गुणा करके देखो आपस में, यदि बीच में बड़ा नंबर आ रहा है तो उन्हीं में से कहीं अपने को आंसर मिलने वाला है। जैसे मैंने किया दोस्तों, इन दोनों का गुणा 5 × 4 = 20, इन दोनों का गुणा 3 × 1 = 3 20 और 3 = 23, तो आपको बीच का नंबर मिल गया, ठीक है। ये आगे कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, देखो 7 × 6 + 3 × 4 7 × 6 = 42 और 4 × 3 कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया, 42 और 12 कितना हो गया 54 हो गए, 54 हो गए, इसका मतलब बैठ रहा है, आगे भी यही बिठाना है, 11 × 2 प्लस यहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह दोस्तों, 11 दूना तो कितना हो गया 22 हो गया है। अब इस 9 को किससे गुणा करें और उसमें 22 जोड़े कि 40 हो जाए, कि सर 40 करने के लिए 18 कम पड़ रहे हैं और 9 अपने पास है तो 2 से गुणा करो, किससे गुणा करो 2 से, तो 9 × 2 = 18 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40, इसका मतलब यहां पर गुणा किससे किया दोस्तों 2 से गुणा किया, किससे गुणा किया है 2 से गुणा किया, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह मेरे प्यारे साथियों क्या आ गया है 2 आ गया है, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बताइए एक बार यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा बीच वाला नंबर आ गया, इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा बीच वाला नंबर आ गया, इन दोनों का गुणा और 9 यहां पर है तो 2 से गुणा करवाएंगे तो 18 और 22 कितने हो गए दोस्तों 40 हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट यदि किसी को लेना है तो ले सकता है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए दोस्तों आपको पर्याप्त टाइम भी दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन का हल करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सबसे पहले देने का प्रयास करें, जितना ज्यादा पहले दोगे उतना ज्यादा फायदा दोस्तों, एग्जाम में भी आपकी यही जो स्पीड है वो रहनी चाहिए। अगला देखना दोस्तों क्वेश्चन, उसी प्रकार का डायग्राम है लेकिन थोड़े से नंबर चेंज है, आपका सोचने का तरीका हो सकता है लास्ट में मैं जो बताऊं वो आंसर यदि आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हो अपनी जगह पर। ये लीजिए इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क चिन्ह 11 और 6। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह कहां पर, ये 6 है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क चिन्ह कहां पर है, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह,
इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, ये आपको बताना है कमेंट करके जल्दी से। ये दोस्तों 33 लिखे हुए हैं, 27 लिखे हुए हैं, 21 लिखे हुए हैं, बीच में 18, 23 और 27 है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसकी जगह क्या आएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि इसकी जगह क्या आएगा, एक बार बता दे के सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है दोस्तों मेरे द्वारा, फिर आप हल करके जरूर देखें। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसकी जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह मैं बता रहा हूं आपको, चार आएगा। कितना आएगा दोस्तों, चार। जिन्होंने भी चार कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिन्होंने भी चार का कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों का। दोस्तों देखना कैसे आया है, एक बार देखना आप लोग। दोस्तों इसमें क्या किया है कि इन सबको ऐड किया है, आपने क्या सोचा वो भी बताना। 3 + 7 + 5 + 21, देखो 7 और 3 10, 10 और 21 कितने हो गए दोस्तों, 10 और हो गए 31, 31 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 36 हो गए। लेकिन सर 18 तो नहीं आ रहा है, बट्टा 2 कर दो, कितना आया दोस्तों 18 आ गया, अपना नंबर आ गया दोस्तों बीच वाला, यानी सबको जोड़ करके उसमें 2 का भाग देने पर दोस्तों बीच वाला नंबर आ रहा है, ये आपको पता चल गया है। तो दोस्तों यहां पर भी देखो अप्लाई हो रहा है क्या, 4 + 27 + 9 + 6 देखो कितना हो जाएगा, 27 और 4 31 हो गए, 31 ये हो गए आपके, 31 और 9 और 6 15 हो गए, तो ये हो गए दोस्तों आपके 46, और 46 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 23 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 23, कितना आ गया, 23 आ गया। बिल्कुल सही मामला बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहां पर भी बिठाओ 11 + 6 + 33 + मार्क चिन्ह की जगह देखना दोस्तों, 27 किसका आधा होता है, 54 का। 27 किसका आधा होता है दोस्तों, 54 का आधा होता है। अपने को 54 करने हैं, 54 करने पर 2 का भाग देंगे तभी तो 27 आएगा। तो देखो दोस्तों 33 और 11 हो गए आपके 44, 44 और 6 कितने हो गए, 50 हो गए। अब 54 करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं दोस्तों, 4 कम पड़ रहे हैं, तो यहां पर 4 जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 54, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 27। यानी इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह हमने क्या लिया दोस्तों, 4 लिया है। कितना लिया है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह 4 आया है। जिन्होंने भी 4 का कमेंट किया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिन्होंने भी 4 कमेंट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। चलिए किस किस का आंसर राइट था एक बार बताओ, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में, पहले कमेंट करो कितने लोगों का आंसर सही था, और फिर बताओ क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। बीएसटी से में आते हैं सवाल, ध्यान रखना है अलग से नहीं लिखा हुआ है, अगर टॉपिक आपने नहीं देखा है तो विविध में आपको मिल जाएगा, विविध में ये आएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए मैं आपको बड़े ध्यान से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। देखना अगला चित्र 9, 13, 22 और यह है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, 9, 13, 22 लिखा हुआ है और फिर है क्वेश्चन मार्क चिन्ह दोस्तों। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या आएगा इसका, यहां पर लिखा हुआ है 9, 13, 22, यहां पर है क्वेश्चन मार्क चिन्ह दोस्तों। जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को हल करना है, प्रयास सभी को करना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, आज 12th आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है दोस्तों। आप में से कितने लोगों का रिजल्ट आया ये कमेंट करके बताओ, और जो भी पास हुए हैं अच्छे नंबरों से या पास हो गए हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा देखना, हल करके देखते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा 38, 38, कैसे आया दोस्तों देखना, 9 से 13 जा रहा है, कितना प्लस हुआ, 9 में 4 जोड़ा सर, 13 से 22 आया यानी कितना प्लस हुआ, 7 और 2 9 प्लस हो गया, 9 जोड़ा सर, ठीक है ना, और अब कितने जोड़ेंगे ये हमें पता करना है। तो देखना दोस्तों 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, पहले 2 का स्क्वायर जोड़ा, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर जोड़ा, अब हम 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो जैसे ही 22 + 16 करेंगे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 38 आ जाएगा, 38 करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, 38 आएगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले 2 का स्क्वायर जोड़ा,
फिर 3 का स्क्वायर जोड़ा और फिर हमने 4 का स्क्वायर जोड़ के देख लिया कितना आ रहा है 38। जिन्होंने भी 38 का कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगभग इन्हीं में से परीक्षा में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा आपको। दोस्तों इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि लगभग जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे कर रहे हैं उनमें से ही आपको क्वेश्चन जो है दोस्तों परीक्षा में मिल सकता है, उम्मीद ऐसी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने ला रहा हूं मैं। दोस्तों डायग्राम को ध्यान से देखना है, आप साथ साथ में इनको यदि कॉपी में बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं अपने, तो दोस्तों मजा आ जाएगा आपको पढ़ने का। यहाँ है दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यहाँ लिखा है दोस्तों 54, यहाँ पे लिखा है दोस्तों 102। जल्दी से बताओ क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। दोस्तों मैं बोल भी रहा हूँ 9, 12, 18 क्वेश्चन मार्क चिन्ह, 54 और 102। जल्दी से पता करो, देखे सबको दिखाई दे रहा है, जल्दी से पता करो दोस्तों इसकी जगह क्या आएगा। जल्दी से पता करो दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी को प्रयास करना है दोस्तों, हल करने का प्रयास आप सभी को करना है। यहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 30, 30 यदि किसी ने कमेंट किया है, चलिए 30 आएगा दोस्तों, 30 इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे करना था आपको, ध्यान से समझना। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, 9 है, 9 से 12 हुआ यानी प्लस 3 हुआ है, ठीक है, 12 से 18 यानी प्लस 6 हुआ है, 18 से हमें कितना करना है प्लस बाद में देखेंगे, यहां पर भी बाद में देखेंगे, यहां पर देखना दोस्तों 54 से 102 यानी प्लस कितना हुआ है, प्लस कितना हुआ दोस्तों 54 से 102 का मतलब प्लस कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 48 हो गया क्या, प्लस कितना हो गया 48 हो गया, देखो 8, 4, 12 बिल्कुल प्लस कितना हुआ दोस्तों 48 हो गया। अब यहां से आप ट्रिक समझना कैसे पकड़ना है सर, 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल करो 12, 18 और 12, 18 प्लस 12 कितना हो दोस्तों 30 हो गया। मान लीजिए इसकी जगह 30 आते हैं तो 30 में कितने, 12 के डबल 24, 30 में 24 प्लस करने पर बिल्कुल 54 आ रहे हैं। इसका मतलब जो अपने सोचा है डबल वाला, 3 का डबल 6 का डबल 12 का डबल 24 का डबल 48, ठीक है ना दोस्तों, ये ऐसे चल रहा है पैटर्न। इसका मतलब अपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह दोस्तों क्या आ गया है, 30 आ गया। अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया है कि अपना सर 18, 18 में 6 का डबल 12 जोड़ा, 18 प्लस 12 30 हो गए, यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह दोस्तों क्या आ गया है 30 आ गया, 30 आ गया। काफी लोगों ने कमेंट भी किया था, आंसर बिल्कुल सही आंसर था उसका। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, एक बार कमेंट करके बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करो क्वेश्चन करने का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, फिर अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं, चलिए मजा आ रहा है, कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं यही देखना है मुझे दोस्तों। आज अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, जो कि काफी भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। यह चित्र आपके सामने आ चुका है दोस्तों, काफी बार आपने भी ये क्वेश्चन देख लिया होगा कहीं ना कहीं। यहां पर है दोस्तों 26, यहां पर है आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यहां पर है दोस्तों 63 और यहां पर है दोस्तों 0, यहां पर है 9, यहां है 6, यहां है 10, यहां है दोस्तों 12। आगे देखना दोस्तों, यहां पर है फिर से 12, यहां पर है दोस्तों 8 और यहां पर है दोस्तों 3 और यहां पर है दोस्तों 4। दोस्तों चित्र बिल्कुल सुंदर बन गया है, आंसर भी सबका सुंदर, सुंदर का मतलब सही आना चाहिए दोस्तों, चित्र जैसा सुंदर बना है आंसर भी सबका सुंदर यानी कि सबका सही आंसर आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, मैं आपको सोचने का टाइम भी दे रहा हूं दोस्तों, जल्दबाजी भी नहीं कर रहे, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों। कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह दोस्तों क्या आएगा, सभी को सोचकर कमेंट करना है, पहले आप इसको लिख के हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, इसको लिख करके हल करने का प्रयास करना है दोस्तों।
जल्दी से करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से। चलिए बहुत ही बढ़िया, अलग अलग आंसर आने स्टार्ट होंगे। वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 10, 12, 8, 3 और 4, 0, 26 क्वेश्चन मार्क को और 63 ये दोस्तों लिखा हुआ। वैसे आप सभी को साफ दिखाई भी दे रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। क्या आएगा यहां पर, आपका आंसर आएगा दोस्तों 7। क्या आएगा? 7। जिन्होंने 7 का कमेंट किया दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। दोस्तों देखना इसमें आपको कैसे दिमाग लगाना है। दोस्तों देखिए 9 और 6 इन दोनों का अंतर करना है। एक बार मैं बता रहा हूं आपको, 9 और 6 का अंतर कितना हुआ दोस्तों? 3 हुआ। इस 3 का कीजिए दोस्तों क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए 27, 27 में से एक माइनस कर लीजिए, आपका क्या आ गया है? 26 आ गया, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। दोस्तों वापिस समझना, इन दोनों का अंतर किया, अंतर आया 3, 3 का क्यूब 27 में से एक घटाए तो 26 आया। ये अब सब में लागू होना चाहिए, देखना। यहां जो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 12 माइनस 8, अंतर हुआ 4, 4 का क्यूब हुआ 64 और 64 में से एक घटाए तो कितना आया? 63। बिल्कुल आ रहा है, क्या बताओ? आ गया। इसका मतलब यही पैटर्न अब सब में लगने वाला है, इसी पैटर्न को हमें पकड़ में रखना है। दोस्तों यहां पर भी चेक करो, 4 और 3 का अंतर 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, जो कि आ रहा है। इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला यही पर अपनाना पड़ेगा और अपना आंसर आएगा। देखना दोस्तों 10 और 12 का अंतर, 12 माइनस 10 2 और 2 का क्यूब किया तो 8, 8 में से 1 घटाए तो कितना आया दोस्तों? 7 आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इन दोनों का अंतर, अंतर आया 2, 2 का क्यूब किया 8, 8 में से 1 गया तो 7। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। जिन्होंने भी 7 बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाऊं क्या? एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ आगे बढ़ जाऊं क्या? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके आगे बढ़ें क्या? चलिए देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए दोस्तों क्लास में आपको मजा आ जाएगा, उम्मीद है जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही आएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से क्लास को देखते रहिए, फालतू के कमेंट बंद करें दोस्तों। आप केवल और केवल जब मैं आपको कहूं कि अब आंसर कमेंट कीजिए तभी आपको कमेंट बॉक्स पर ध्यान देना है, बाकी केवल बोर्ड पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ 48, यहां पे लिखा हुआ 12, यहां पे लिखा हुआ 25, यहां पे लिखा हुआ 5। अगला फिगर देखना, यहां पर है 64, यहां पर है 16 और यहां पर है 81, यहां पर है 9। अगला फिगर देखना, यहां पर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर है 15 और यहां पर है 7 और यहां पर है 49। जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा? बहुत सरल है, चंद सेकंड में आपको पकड़ में आ जाना चाहिए दोस्तों। मुझे क्या करना है? चंद सेकंड में, एक मिनट से कम समय में, कम से कम 30 सेकंड में आपको पकड़ में आ जाना चाहिए आकृति को देख के कि मुझे क्या करना है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से सभी साथियों को कमेंट करना है दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या आएगा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों? 60। क्या आएगा? 60 आएगा। दोस्तों कैसे आएगा ध्यान से समझना, यहां पर देखो 12 48 में क्या संबंध है? गुणा 4 क्या हुआ है? 12 चौक 48। यहां 5 और 25 में क्या है? इसका स्क्वायर क्या हुआ है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यानी ऊपर 4 का गुणा नीचे स्क्वायर, क्या अगले में लग रहा है? 16 चौक 64, बिल्कुल गुणा 4 तो लग गया, क्या स्क्वायर भी लग रहा है? बिल्कुल 9 का स्क्वायर 81। इसका मतलब ऊपर तो गुणा 4 करना है, नीचे गुणा उसका स्क्वायर करना है। अब ऊपर का पूछा है नीचे का, वो देखो ऊपर का पूछा हुआ है, इसका मतलब 15 इंटू 4 करेंगे, 15 चौक 60 हो जाएगा स्क्वायर, नीचे आ रहा है 7 का स्क्वायर गुण 50,
ठीक है, यदि ए पूछते तो 49 आता, हमें ऊपर वाला पूछा है तो कितना आएगा 60 आएगा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर गुणा 4 का सीरीज चल रही है, नीचे उनका स्क्वायर कर रहे हैं, ऊपर का पूछा हुआ था इसलिए 15 इंटू 4 कितने हो गए दोस्तों 60 हो गए हैं। अगला सवाल मैं आप लोगों के सामने लाऊं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से देख लीजिए इसको कि कैसे किया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाऊं क्या, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आ रहा है, आप तैयार हो क्या जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन के लिए क्या सब लोग तैयार हैं कमेंट करके बताएंगे, सभी साथी अगले क्वेश्चन के लिए क्या सब तैयार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्किल के अंदर लिखा हुआ है 33, इधर लिखा हुआ है 2, इधर भी 2, इधर लिखा हुआ है 4, इधर लिखा हुआ है 3, फिर एक सर्किल के अंदर 54, यहाँ है 2, 3, 4 और 5, फिर सर्किल के अंदर क्वेश्चन मार्क चिन्ह 3, 5, 6 और 4। चलिए दोस्तों सर्किल के अंदर 33, इसके इर्द गिर्द ये संख्याएं, 54 इसके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और इसके इर्द गिर्द ये, इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, जल्दी से आपको सोचने का समय भी दे रहा हूं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि इस सर्किल की जगह क्या आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोगों को कमेंट करना है दोस्तों, सभी लोगों को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों कि सर्किल की जगह क्या आएगा। चलिए समय दे रहा हूं दोस्तों, आप समय, मैंने कहा था अंदर बड़ी संख्या हो तो बाहर वाली को जोड़ के देखो, स्क्वायर करके देखो, गुणा करके देखो, उनसे ही आएगा। हाँ जल्दी से करके देखिए, पेन कॉपी साथ में रखनी है दोस्तों, साथ में पेन कॉपी लेके बैठे अपने रीजनिंग की क्लास में। चलिए क्या आएगा दोस्तों, 86 आएगा, राइट आंसर क्या आएगा 86, जिन्होंने 86 कमेंट किया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। देखना दोस्तों कैसा आया कि 33 आ रहे हैं, इन सब का स्क्वायर करके जोड़ो, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखो दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, 25 और 8 कितना हो गए दोस्तों 33 हो गए, मतलब अपना राइट आंसर ये है, ठीक है ना, सबका स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है। यहां पर भी देख लो, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है सबको जोड़ोगे 16, 9, 25, 25, 25, 50 और 4, 54 हो गए, मतलब आंसर आ रहा है। यहां पर भी स्क्वायर करेंगे, यहां से शुरू कर रहा हूं 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 86 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 86 आपका करेक्ट आंसर है। यदि किसी ने 86 कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, 86 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही था जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही था ये बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, अगले क्वेश्चन के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। हर रोज रात को 9 बजे अपनी रीजनिंग की लाइव क्लास होती है जिसका आप सभी हिस्सा जरूर बने, काफी लोग जो है लगातार अपनी क्लास का हिस्सा बन रहे हैं और इस क्लास का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों, जो भी वंचित हैं आप उनको भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से इस लॉकडाउन के समय, इस महामारी के समय दोस्तों जारी रखें, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये एक लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, 2, 4, 20, 3, 9, 90, 1, 7 क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत सरल है, काफी लोगों को लिखते ही पता चल जाता है, काफी लोगों को लिखते ही पता चल जाता है कि क्या करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी से हल कर लीजिए इसको, जल्दी जल्दी से हल करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा 50, क्या आएगा 50, यदि किसी ने कमेंट किया था देखना दोस्तों, यहां पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, क्या करना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है
दो का स्क्वायर कितना हो गया चार, चार का हो गया सोलह, सोलह और चार कितने हो गए बीस हो गए, यानी ऊपर वाले दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो आपको नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। तीन का स्क्वायर नौ, नौ का स्क्वायर इक्यासी, नौ और इक्यासी कितने हो गए नब्बे हो गए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यहाँ। अब देखिए यहाँ पर एक का स्क्वायर एक, सात का स्क्वायर गुण पचास और एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया पचास हो गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह दोस्तों क्या आएगा पचास आएगा जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह दोस्तों क्या आएगा पचास आएगा, जिन्होंने पचास कमेंट किया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जल्दी से इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से इसको आप लिख लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार शेयर करके आ जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, सभी जगह दोस्तों शेयर करके आ जाइए इसको, लाइव सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, चित्र इस तरफ बनाऊं ताकि आपको दिखे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था लेकिन अलग तरीके का है। आठ चौसठ दो सौ सोलह क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आठ फिर चौसठ दो सौ सोलह और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, काफी लोगों के लिखते ही पकड़ में आ जाता है दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्लास में, फालतू के कमेंट में ध्यान नहीं दे, मैं पहले कहता हूँ आपको, रोज कहता हूँ इस बात को लेकर के कि आप फालतू के कमेंट नहीं करें दोस्तों, अपने को अच्छी तैयारी करनी है दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, आपको पर्याप्त समय भी दे रहे हैं दोस्तों, आपके लिए सभी क्लासें भी लगा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको लाइव आना चाहिए, आपको डेली अपने रूटीन से पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए दोस्तों क्या आएगा 512 करेक्ट आंसर रहेगा, यदि किसी ने 512 कमेंट किया है, किया भी है बहुत बढ़िया है। देखिए दोस्तों क्या है, ये आठ क्या है, ये दो का क्यूब है, आठ क्या है दो का क्यूब है, चौसठ क्या है चार का क्यूब है, दो सौ सोलह क्या है छह का क्यूब है, देखो दो का क्यूब फिर तीन गायब है चार का क्यूब फिर पांच गायब है छह का क्यूब अब सात गायब रहेगा, आठ का क्यूब करेंगे तो आठ का क्यूब आठ गुणा आठ गुणा आठ और आठ का क्यूब कितना दोस्तों 512 होता है, दोस्तों कितना होता है 512 होता है, तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना रहेगा दोस्तों 512 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात समझ में आ गई क्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि लिखना है तो लिख लीजिए फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है मेरे प्यारे साथियों, आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन जो अम्मी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी है, देखता हूं आपके कितने लोगों के से आता है, यहाँ सात लिखा हुआ है, पंद्रह लिखा हुआ है, फिर 31 लिखा हुआ है, फिर 63 लिखा हुआ है, फिर 127 लिखा हुआ है, फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, जल्दी से बताइए भाई क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन में। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, बहुत इजी है दोस्तों, आपको केवल यहां से पकड़ना है और यहां तक आ जाना है, कितना प्लस हो रहा है क्या प्लस हो रहा है बस इतना ही तो कार्य करना है दोस्तों, बस इतना ही काम करना है आपको, कितना प्लस हो रहा है क्या प्लस हो रहा है, यदि ये आप पकड़ लेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, काफी लोगों के करेक्ट आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड। चलिए दोस्तों सभी लोग हल करते रहिए, सभी लोगों को प्रयास करना है दोस्तों, प्रयास हमारा कार्य है, प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। चलिए देखना 255 इसका करेक्ट आंसर रहेगा 255, ठीक है देखना कैसे आया, सात से 15 प्लस क्या हुआ 8 हुआ है, 15 से 31 प्लस क्या हुआ 16 हुआ है, 31 से 63 प्लस क्या हुआ 32 हुआ है, 63 से 27 प्लस क्या हुआ 64 हुआ है, इसका मतलब क्या दोस्तों, क्या पता चला आपको कि 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, अब हमें हमारी बारी है कि 64 का डबल प्लस कितना करा है 128 कर दें, तो हमें क्या करना है 127 में 128 जोड़ना है, क्या आएगा 255 आ जाएगा, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 255 करेक्ट आंसर रहेगा आपके इस क्वेश्चन का, क्या रहेगा 255, ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप
रेवतराज मैथमेटिक्स, रेवतराज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा अभी एक, उस पर आप क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते हैं। काफी बच्चों के कमेंट आते हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उस पर आप सर्च कीजिए रेवतराज मैथमेटिक्स, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। जो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम चैनल का लोगो है, आपको भ्रमित भी नहीं होना है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर पीडीएफ वगैरह आपको सब मिल जाती है, सूचनाएं भी आपको दे दी जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आज की क्लास कैसी लगी, अभी लुप्त संख्या ज्ञात करने का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट और लेके आएंगे बड़ा सा, उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करने का। तो दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया दोस्तों, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपकी प्रतिपुष्टि ही हमारा मनोबल बढ़ाती है, आपका फीडबैक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है दोस्तों, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये थी आज लुप्त संख्या ज्ञात करने की पहली क्लास, कल दूसरी क्लास और लेके आएंगे। तो दोस्तों सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लें, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।